स्वस्थ जीवन समृद्ध राष्ट्र में हूँ डॉक्टर अव्यक्त। नए नए माता पिता बहुत बार ये पूछते हैं पीडियाट्रिशियन से ना कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि कब बच्चों को खिलाना शुरू करना चाहिए और क्या क्या खिलाना शुरू करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगा ये जानने में कि कब और क्या खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले यदि आप नए अभिभावक हैं, मम्मी पापा हैं यंग, तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा और कि आप कंसर्न है यदि ये वीडियो देख रहे हैं अपने बच्चे के हेल्थ के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हर माता पिता यदि अपने बच्चे का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही रखता है तो वह देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान देता है, वह सिर्फ अपने परिवार की प्रगति में ही नहीं। तो बच्चे को 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए आइडियल सिनेरियो में। 6 महीने के बाद की बात अब मैं करूँगा कि क्या क्या खिलाना चाहिए जो पूछते हैं। 6 महीने के बाद सेमी सॉलिड और थिक चीज़ें बच्चे को जब वो 6 महीने का पूरा हो चुका है खिलाना आरंभ कर दीजिए। सेमी सॉलिड और थिक का अर्थ है कि आपके घर में जो भी बनता है, जो फैमिली फूड है, फॉर एग्जांपल दाल, खिचड़ी, दलिया, आलू उबाल कर मैश करके देना, या केले को थोड़ा सा मैश करके देना, या फिर पपीते को मैश करके दे देना, इस तरह की जितनी भी चीज़ें आपके घर में जो भी बनती हैं, आप साउथ इंडियन हैं और आपके यहाँ इडली बनती है तो इडली को मैश करके दे देना। तो जो भी आपका फैमिली फूड है वो आप सेमी सॉलिड थिक मैश करके जो आप दे सकते हैं वो बच्चे को थोड़ा थोड़ा सा देना शुरू कीजिए। एक ही तरह का खाना 3 4 दिन 5 दिन तक दीजिए जिससे उसका टेस्ट डेवलप हो, टेस्ट बर्ड आपको फिर धीरे धीरे समझ आएगा इसको कैसे क्या पसंद आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं और ये पूछते हैं कि क्या नमक बिल्कुल भी ना दें, क्या शक्कर बिल्कुल भी ना दें। तो यस, नमक और शक्कर का इस्तेमाल जितना कम से कम हो सके करें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टोटल आपको रिजिड रहना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका पारिवारिक फूड है वो हमें देखना है। हमें ये नहीं कि हमें अमेरिकन रिकमेंडेशंस को फॉलो करने लगना है, हमें जो हमारे कल्चर में एक्सेप्टेड फूड है, इजीली अवेलेबल फूड है वो देना है। और साथ में जो गलती करते हैं माता पिता वो ये करते हैं कि दाल का पानी दे रहे होते हैं, वो दाल का पानी नहीं होना चाहिए, उसमें दाल होनी चाहिए गाढ़ी सी, उसमें थोड़ा सा हेल्दी फैट जैसे कि घी आप मिला सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उसमें हल्दी ना मिलाएं, क्योंकि हल्दी हल्की बिटर लगती है तो बच्चे को शायद वो रिफ्यूज़ करे शुरू में। नमक भी ना मिलाएं, ना के बराबर मिलाएं, और इस तरह से ब्लेंड सब बच्चे ब्लेंड टेस्ट पसंद करते हैं। कितनी बार खिलाना है और कितना खिलाना है, ऑन डिमांड खिलाइए, कोई क्लॉक नहीं फिट करनी है। माँ का दूध आप दे रहे हैं तो उसको बंद नहीं करना है, यदि ऊपर का दूध दे रहे हैं तो वो भी जैसा दे रहे हैं वैसे देते रहिए। कम से कम माँ के दूध पर बच्चा है यदि, तो उसको 3 बार खाना खिलाना है, जिसमें से 2 बार अनाज और जो भी आपके घर में खाना होता है प्रॉपर वो, एक आध बार फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। यदि बच्चा टॉप मिल्क पर है तो उसको कम से कम 5 बार खाना खिलाएं, जिससे कि टॉप मिल्क की मात्रा भी कम हो सके। ये 6 महीने से लेकर 9 महीने के बीच में है। फिर 9 महीने तक के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए, और 9 महीने में बच्चों में पिंसर ग्रास्प आ जाता है। पिंसर ग्रास्प मतलब वो इस तरह से पकड़ना शुरू कर सकते हैं, जब शुरू में वो ऐसे पकड़ते हैं ना, फिर ऐसे पकड़ सकते हैं। तो ऐसे जब पकड़ सकते हैं तो उनको आप कटोरी चम्मच में कुछ रख कर दे सकते हैं। कटोरी में दाल चावल रख दिया, थोड़ा सा घी डाल दिया, या खिचड़ी रख दी, या दलिया रख दी, और उसको चम्मच दे दी, और वो खुद कुछ खुद खेलते रहेगा, खाते रहेगा, देखते रहेगा। आप उसके पास में रहे, मॉनिटर्ड होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा उसको स्पून फीड उसको खिलाएं। ध्यान रखें कभी भी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती खाना मत खिलाएं, ना ही क्लॉक फिट करके खिलाएं, क्योंकि कभी कभी बच्चे को भूख कम हो सकती है। किसी भी वजह से भूख कम हुई और उस समय आपने ज़बरदस्ती खिलाना शुरू किया तो उससे बच्चे को खाने से नफरत पैदा होने लगेगी, रिफ्यूज़ल पैदा होने लगेगा, और वो बच्चा खाना देख के भागने लगेगा और आपको भी देख कर भागने लगेगा। जैसे ही आप कटोरी लेकर आएंगे, मैं बोलता हूँ ना, उसको ऐसा लगेगा कोई कटोरी वाली राक्षस नहीं आ रही है। तो इस तरह से नहीं करना है आपको कि खाना ज़बरदस्ती। कभी भी बहुत सारी मदर्स फोर्स फीडिंग करने लगती हैं। एक गलती और करते हैं मदर्स, कई बार मिक्सी में पीस कर खाना देने लगते हैं। मिक्सी में पीस कर यदि आप खाना देंगे तो बच्चे को चबाने की आदत नहीं पड़ेगी। चबाना और गुटकना एक कोऑर्डिनेशन मूवमेंट होता है, तो उसकी आदत के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली उसको सेमी सॉलिड शुरू करें 6 मंथ्स पर, और फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। 9 महीने पर आपने कटोरी चम्मच में उसको खुद दे दिया, कुछ रोल बना के जैसे कि रोटी को घी वगैरह लगा के दे दिया, या एक केला पकड़ा दिया,
उसको खुद खाने दें, पैकेट फूड मत दें। बहुत सारे पेरेंट्स बिस्किट्स वगैरह खिलाने लगते हैं, मैं एडवाइस करूँगा कि मैदे से बनी चीज़ें या फिर पैकेट फूड देने की जगह फ्रेश घर का फूड देना शुरू करें उसको, और प्रोटीन रिच फूड ज़रूर दें जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन हो, क्योंकि ये ग्रोइंग एज होती है जिसमें बच्चे की मसल्स वगैरह बढ़ती है। आयरन रिच फूड भी दें, प्रोटीन ज़्यादा होता है मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि पनीर, दही, मिल्क, एग्स, जो लोग नॉनवेज खाते हैं नॉनवेज उसमें होता है। आयरन भी नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है और वेजिटेरियन सोर्सेज में डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स, नट्स इनमें होता है। नट्स यदि आप देना चाहते हैं तो कभी भी उसको पीस लें, क्योंकि वो अटका लेते हैं बच्चे, कभी कभी फॉरेन बॉडी के रूप में आते हैं, तो कभी भी नट्स ऐसे पड़े भी नहीं रहना चाहिए। कोई भी छोटी चीज़ घर में, या छोटा बच्चा है वहाँ पर सिक्के हैं, कंचे जैसे ऑब्जेक्ट हैं, छोटी बैटरी, ये सब ऐसे नहीं पड़ी रहने चाहिए। ये सब केस हमारे पास आते हैं। जस्ट अभी एक बच्चा आया था नाक में कुछ फंसा कर चना वगैरह, तो छोटे दाने वाली कोई भी चीज़ आसपास ना रखें, वो फॉरेन बॉडी कहीं भी बच्चे अटका सकते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आपको समझ आएगा इंटरेस्ट उसका क्या, उसको अच्छा लगता है, तो वो जो अच्छा लगता है उसी को न्यूट्रिशियस बना कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल उसको कस्टर्ड अच्छा लगता है तो कस्टर्ड में बड़े अच्छे से फ्रूट्स वगैरह डाल दीजिए, तो उसी के अराउंड प्ले कीजिए। उसका अपना एक बर्तन रखिए जिससे कि आपको अंदाज़ा होगा वो कितना खा रहा है, और उससे वो एसोसिएट भी करेगा। कुछ रंग बिरंगा सा प्यारा सा बर्तन रखिए। मेरी नानी बचपन में एक वो करती थी कि मैं रोटी नहीं खाता था तो कोई शेप बना देती थी लोई से, जैसे चिड़िया, और चिड़िया को एक काड़ी से मैं पिरो कर उसमें घी में डूब कर दे देती थी, तो मैं वो सेम रोटी जो मैं नहीं खाता था वो खा लेता था, कि कुछ शेप वैसा देखकर या कोई भी इंटरेस्टिंग सा शेप बनाकर आप बच्चे को दे सकते हैं। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाकर दे सकते हैं। ऑन डिमांड फीडिंग जितना वो खाना चाहे उतना दीजिए। एक और ट्रेंड बहुत शुरू हुआ है, मदर्स मोबाइल दिखा दिखा कर खिलाती हैं। मोबाइल से छोटे बच्चों को दूर रखिए, ग्रोइंग एज में ब्रेन पर बुरा असर पड़ता है, इसकी वजह से ADHD ऑटिज्म के केसेस में वृद्धि होते हुए हम लोग देख रहे हैं, और सोशल इंट्रैक्शन और जो एक इमोशनल कनेक्ट होता है बच्चे का दूसरे बच्चों से और घर वालों से वो भी कम होता दिखता है मोबाइल की वजह से, तो मोबाइल से दूर रखें। खाना अपने आप में एक एन्जॉयबल चीज़ है। हम लोग, आप बताएं, आप खाना क्या सिर्फ भूख के लिए खाते हैं, मज़े के लिए भी खाते हैं, मज़ा आता है ना, अच्छा लगता है ना, तो वो खाना खुद आनंददायक चीज़ है, तो उसमें एक और आनंद जोड़ना जैसे कि मोबाइल देखना या टीवी देखना क्यों ज़रूरी है, तो वो मत कराइए। और शुरू से ही आदत नहीं डालेंगे आप तो अच्छा रहेगा। साथ में बच्चे को शुरू से ही टॉफ़ी, चिप्स, कुरकुरे के लिए एक्सपोज ही मत कीजिए उसको। शुरू से एक्सपोज नहीं होगा तो उसकी डिज़ायर ही नहीं होगी। मेरे पास ऐसे कुछ पेरेंट्स आते हैं जिन्होंने जैसे 3 साल का बच्चा हो गया, उनके बच्चे ने टॉफ़ी देखी ही नहीं है, तो वो बेस्ट है। उसको कभी मैं टॉफ़ी दे भी रहा हूँ तो वो लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसने देखी ही नहीं है पहले, उसको उसके लिए उसका कोई टेस्ट में कोई डिज़ायर ही नहीं है। तो आप उसको इस तरह से जो हार्मफुल फूड हैं, जंक फूड हैं, उसके लिए एक्सपोज ही मत कीजिए। तो यही मैसेज है अच्छी डाइट के लिए, और अच्छी डाइट देंगे, ये ग्रोइंग एज है तो बच्चे का ब्रेन, बच्चे का बोन्स, मसल सब कुछ मजबूत होगी, कॉम्पिटिशन्स में जीतेगा और बड़े होकर आपके सपने पूरे करेगा और हमारे देश को की तरक्की में योगदान देगा। तो मैं पीडियाट्रिशियन हूँ एक, डॉक्टर अव्यक्त, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप औरों तक भी पहुँचाएंगे, दादा दादी, नाना नानी सब तक। थैंक यू।